नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र सोमवार यानी आज से शुरू होगा। रविवार को आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने पर जोर दिया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने रविवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ नए संसद भवन के गज द्वार पर तिरंगा फहराया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और कई दलों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी देर से आमंत्रण मिलने पर निराशा जताई। खड़गे ने कहा कि उन्हें निमंत्रण 15 सितंबर को देर शाम मिला। सरकार ने बताया है कि विशेष सत्र में 4 बिल आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल इसमें अहम है। विपक्ष इसके विरोध की बात पहले ही कह चुका है। यह बिल मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश हो चुका है। संसद के इस विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। टीम इंडिया ने रविवार को 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। मैच के स्टार रहे मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और 15.2 ओवर में 50 रन पर ही ओनल आउट हो गई। जवाब में भारत ने बिना विकेट गंवाए 51 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती और अपने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि को देश को समर्पित किया। उन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के विस्तार के रूप में बनाए गए यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का भी रिमोट से शुभारंभ किया। इसी के साथ मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च की। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति CWC की 2 दिवसीय बैठक के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है। साथ ही कहा कि वह आगे की लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। बैठक के बाद 14 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, चीन के साथ सीमा विवाद, अडानी ग्रुप से जुड़े मामले और कई अन्य मुद्दों का उल्लेख किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ रविवार को 5वें दिन भी जारी रही। ऑपरेशन 100 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जंगल में कई गुफानुमा ठिकाने हैं। इस खतरे से सीधे निपटने के लिए गुफाओं के ठिकानों पर विस्फोट करने के लिए हथियार बंद ड्रोन सहित अत्याधुनिक हथियार तैनात किए गए हैं। हरियाणा के नूह जिले में 19 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। धारा 144 भी लागू रहेगी। दंगे भड़काने और उकसाने के आरोपी फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान को 2 दिन की रिमांड के बाद एक बार फिर रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 4 मामलों में पेश किया गया। 3 मामलों में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के आदेश दिए, वहीं 1 मामले में 2 दिन की रिमांड पुलिस को दी है। यूपी के आम्बेडकर नगर में छात्रा से छेड़छाड़ और उसे बाइक से रौंदने के आरोपियों ने रविवार को पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उन्होंने पुलिस की राइफल छीन ली। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया। 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। हंसवर इलाके में शुक्रवार को छात्रा से छेड़छाड़ के बाद बाइक चढ़ा दी थी। छात्रा की मौत हो गई थी। मणिपुर के इम्फाल में पूर्वी जिले के खुनिंगठेक गांव में रविवार को भारतीय सेना के एक जवान का शव मिला। वह इम्फाल पश्चिम के तरुंग के रहने वाले थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे अज्ञात हथियारबंद लोगों ने छुट्टी पर आए सिपाही कोम का उनके घर से अपहरण कर लिया था। उनके 10 साल बेटे ने बताया कि जब वह और उनके पिता बरामदे में काम कर रहे थे, तभी उनके घर में 3 लोग घुसे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।